नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरिंग आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप क्या करें। शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह क्या है, और जो हमारा गाड़ी है 12 वोल्ट का, उसमें अगर आप लोग किसी वजह से 24 वोल्ट कर दो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस गाड़ी में देखिए आप लोग, ये है आपका ऑल्टरनेटर का लाइन। ठीक है ना, ये आपका जो मेन लाइन है वो जल गया, तो ये जलने की कारण क्या है ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में, और इसके साथ जानेंगे आपका गाड़ी में अगर किसी वजह से बैटरी का जो वायर है, अगर पॉजिटिव का वायर नेगेटिव पे लग जाए और नेगेटिव का वायर पॉजिटिव पे किसी ने लगा दिया तो क्या होगा। तो ऐसा करने से आपका गाड़ी का ECU, BCM, ICU खराब हो जाने की चांसेस 100% है। ठीक है ना, और उसके साथ आपका जो गाड़ी का माइनोर चीज होगा इलेक्ट्रिक का, वो भी खराब हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस गाड़ी में जो आज हम दिखा रहे हैं, इस गाड़ी में आपका ऑल्टरनेटर डैमेज हो चुका है, और आपका ऑल्टरनेटर वायर जो है वो भी डैमेज हो गया है। ठीक है ना, तो इस गाड़ी में क्या हुआ है, कस्टमर ने ऐसा कर दिया, गाड़ी का बैटरी किसी वजह से डाउन हो गया और कस्टमर ने और एक बैटरी लेके हेल्प लगा दिया, उसके बाद इसका ये हालत हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हालत होने के पीछे जो कारण है वो है आपका इस गाड़ी को 24 वोल्ट कट दिया। ठीक है ना, तो 24 वोल्ट होने से इसका जो वायर है पूरी तरह से गल गया और शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके वजह से आपका ऑल्टरनेटर भी खराब हो गया और इसके साथ साथ वायरिंग जो है पूरा खराब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद हमने नया ऑल्टरनेटर लगाया और वायरिंग भी लगा दिया हमने, इसके बाद गाड़ी को चला के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।